जननी सुरक्षा ने मना किया प्रसूता को ले जाने से। ग्राम किशनपुरा से आई प्रसूता को घर ले जाने के लिए जब उसके परिजन कॉल सेंटर पहुंचे तो वहां से प्रसूता को ले जाने से मना कर दिया गया। कारण बताया गया कि उनका टेंडर खत्म हो चुका है। परेशान परिजन कलेक्टर से गुहार लगाने पहुंचे। समस्या यही है, एम्बुलेंस से छोड़ के आई थी फतेहगढ़ से जाऊँ गुना, अब वो हो गया, बच्ची हो गई, आज छुट्टी हो गई, तो फिर वहाँ पहुँचे एम्बुलेंस घोड़े, हम इनकी लेस लो, हमें मने कर दे कि हमने ले जाया। क्यों? कि हमारा टेंडर पूरा हो गया। पशुपाओं को जननी एक्सप्रेस घर से लेकर आती है और उनकी जब हॉस्पिटल से मेटर्निटी से उनको रिलीव कर दिया जाता है डिलीवरी के उपरांत, तो जननी एक्सप्रेस उनको छोड़ने जाती है। किशनपुरा गांव के परिजन, इनकी मनीषा नाम की महिला प्रसूता भर्ती थी, आज उसकी छुट्टी हुई है, उसके सर्टिफिकेट भी हैं। जब ही जननी एक्सप्रेस के पास पहुंचे तो जननी एक्सप्रेस वाले ने ले जाने से मना कर दिया। जो उसका था इनसे कुछ राशि वसूल रहा है, जबकि शासन की निःशुल्क व्यवस्था है। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी एक तरफ ये बात करते हैं कि मेरे भांजे भांजे परेशान नहीं होंगे, मैं कहता हूँ जन्म के उपरांत ही भांजियों को परेशानी मिल रही है, वे अपने घर जाने के मोहताज हैं और अस्पताल का कोई प्रबंधन नहीं है। क्यों? ये उनका ऐसा कहना है कि हमारा अनुबंध पूरा हो गया। अगर अनुबंध पूरा हो भी गया तो शासन की इतनी बड़ी व्यवस्था है, क्या उन्होंने इसके वैकल्पिक व्यवस्था की? आज माननीय जिलाधीश महोदय से, जो कि जिला चिकित्सालय के अध्यक्ष हैं, उनसे इस बात को लेकर इनके परिजन भी मेरे साथ आएँ, अभी बात करके फिर उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे।